मंत्री जी का बेटा अपने पिता से कहने लग गया, पंडित जी बोले पापा मेरे को भी राजनीति सिखाइए। तो मंत्री जी बोले बेटा राजनीति मत सीख, बहुत खराब चीज है, बच्चन का नहीं पापा सीखना है, सिखाइए। कहा ठीक है, छत ऊपर खड़े हो जाओ और नीचे कूद दे। वो बच्चा बोला नहीं गिर जाऊंगा। बोले चिंता मत कर, मैं कैच कर लूंगा। बोले पक्का? बोले पक्का। जैसे ही बच्चा कूदा मंत्री जी खिसक गए, बच्चा धड़ाम से गिर गया। बोले क्या पापा, आप तो बोले थे कैच कर लूंगा। तो मंत्री जी ने कहा बेटा राजनीति का पहला पाठ है कि अपने बाप के ऊपर भी विश्वास मत करना। वैसे में हमारे बीच ऐसे विश्वसनीय नेता है, हम सबका सौभाग्य की बात है। भाई भरत द्विवेदी जी ने बहुत ही अच्छा कविता पाठ किया। मैं ऐसे युवा कवि लड़के अगर कविता के प्रति, आजकल तो लोग रील में बर्बाद हो गए हैं, सिनेमा में बर्बाद हो गए, लेकिन अगर ऐसे लोग साहित्यकार बन रहे हैं, युवा कवि हैं, आपके गांव में भी कितने लोग होंगे, मैं चाहता हूं इसके सम्मान में जोरदार ताली बजाएं। नहीं तो आजकल के लड़के एकदम व्यस्त, वो पहली जमाना में हीरो का हीरोइन के गली में जाए दीदार कर, आजकल टाइम नहीं है लड़का मन का, आजकल तो इंटरनेट में लाइन मारते हैं, फेसबुक पे मुलाकात करते, इंटरनेट पे लाइन मारते, फेसबुक पे मुलाकात करते, व्हाट्सएप से दिल देते, चैटिंग से बात करते, प्यार करे के सिस्टम अत अच्छा हो गए, बिना मिले ऑनलाइन बच्चा हो गए, बिना मिले ऑनलाइन बच्चा हो गए, साल भर में मोहब्बत के हिसाब हो गए, कोई अनफ्रेंड हो गए, कोई ब्लॉक हो गए। आजकल मोहब्बत के अतकई सेंस है, प्यार तभी तक है जब तक जेब में बैलेंस है, प्यार तभी तक है जब तक। मोबाइल के बीमारी से थोड़े हमें दूर रहना है। और बिल्कुल अभी भरत द्विवेदी का मार्मिक कविता पिता ऊपर पढ़ी, माँ बाप की इज्जत करो। जब आप खुद बाप, रामेश्वर वैष्णव जी कहते कि जब बाप बनिया तब बाप के मर्म ल जानिया। सही बात है, हम नहीं समझ पा, लेकिन एक उम्र के बाद हम समझतन कि नहीं माता पिता, माता पिता से बड़े ईश्वर पंडित जी बैठे, ये कहे गए हैं कि पृथ्वी के देवता माँ बाप ल माने गए। आप अपने माँ बाप की इज्जत करिए, क्योंकि हम अंदाजा नहीं लगाते कि हमारे माँ बाप ने कैसे हमको पाला है। और हम एक दिन भी अगर माँ बाप को खिला दें तो हमको लगता है हमने एहसान कर दिया। इस भावना को दूर करना है, माँ बाप की इज्जत करना है। चलिए, मैं कभी कभी भावुक हो जाता हूँ, कहा कि कवि मन भी समाज सेवा करते, महू समाज सेवा के कोशिश करें, लेकिन मुला रिजल्ट ठीक नहीं मिली। मैं एक ठो गांव में गए, मैं कहे दारू एक बहुत बड़ी बुराई है, मैंने कसम खाई है एक एक आदमी की दारू छोड़ा दूंगा, जिसको भी अपना दारू छोड़ाना है मेरे से आके संपर्क करे। बिना बिना एक आदमी आ गए, कहीं महाराज सुने थे दारू छोड़ा काम करता, मैं कहे तोरो छोड़ाना है का, कहीं हाँ मालिक चल ना, पुलिस वालन मोर दारू जब्ती कर ले है, बोलो छोड़ा देवे कहा थे। ओ मोर मितान एक दिन झोला लेके आ गए, कई से आरते रोज कथा दारू ले छोड़ दे, मैं सोचा था छोड़ दो, मैं कह सोच मत तुरंत छोड़ दे, कई काकर यहाँ छोड़ो कहा थे, बाद में मिलना भी तो चाहिए कहा थे। वो एक ठो गांव में गए, मैं कह दारू बहुत बड़े बुराई, एक दो आदमी खत्म नहीं कर सके, पंच सरपंच कसम खावा मिल के दारू खत्म करिया, पूरा सब कसम खाई, दूसरा दिन पूरा ग्राम पंचायत दारू भट्टी में। मैं कह यार कले तो कसम खाए रहा कहते है, तही तो कह रहे मिल के खत्म करो कहा थे, थोड़ थोड़ पीबो एक हफ्ता में खत्म हो जाए कहा थे। ये स्थिति हो जाओ समाज सेवा में छोड़ दे, समाज सेवा काम में थे। अभी मैं खास कवि ने बुलाया वाला भाई शिवा इंदौरी जी, जो कि इंदौर से हमारे बीच आए हैं, आप सबके बीच आई, यह जब कवि सम्मेलन में सूटकेस लेके घर से निकली, हाँ अकेले लोड मत ले, नहीं अकेला ताली बजाते। तो शिवा भाई जब आई रिक्शा वाला रही सामने में, कई रिक्शा वाले कई स्टेशन चल भाई कितना लेगा, रिक्शा वाला कही 40 रुपया, एक कही 20 रुपया में चल, वो कही 20 रुपया में कौन ले जाएगा, कहते तू बैठ मैं ले जाऊंगा कहा थे। वो सूटकेस लेके जैसे ट्रेन में गई खाली सीट देख के बैठे जा रही, उसकी भी एक सरदार जी में अपन रुमाल फेंक दी, अपन घर वाले के साथ बैठ गए, एक मेरा सीट है, मैं रुमाल फेंक दिया हूँ मेरा है कहा थे, ये अपन जेब से रुमाल निकाली सोकर भाई जी के मुड़ी में रख दी कहा भाई, मैंने भी रुमाल रख दी भाई, जोरदार ताली शिवा इंदौरी। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूं, उपस्थित श्रोताओं को प्रणाम करता हूं, आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि एक बार पीछे तक तालियां बजा दीजिए ताकि मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूं। बहुत ही समृद्ध मंच है, श्रोता भी काफी अच्छे अच्छे हैं, यहाँ पर काफी मन से सुन रहे हैं। मैं मेरा काव्य पाठ प्रारंभ करूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि
पूरे प्रांगण में मातृशक्ति उपस्थित है, छोटी छोटी बेटियां उपस्थित है। मैं इन छोटी बेटियों के सम्मान में चार पंक्तियां पढ़ता हूँ और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। अगर आपको अच्छे लगे तो तालियां बजाएगा, सुनिएगा। कि माँ की आन होती है बेटिया, ये बेटिया क्या है हमारे लिए? माँ की आन होती है बेटिया, पिता की शान होती है बेटिया, और होता बेटियों का सम्मान जहाँ, हमारे इस प्यारे हिंदुस्तान की पहचान होती है बेटिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुदेव बैठे हुए हैं, मेरी इन चार पंक्तियों से आपको लग गया होगा कि मैं थोड़ी ठीक ठाक बात कर लेता हूँ, इससे ज्यादा अपने को कहीं नहीं आता। अब मेरे को हंसाने के लिए बुलाया आदरणीय संचालक महोदय जी ने, मेरे बारे में बता ही दिया है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं, कि इनको वीर रस का कवि होना चाहिए। अभी हम बैठे थे तो वो मुझे सलाह दे रहे थे, बोले शिवा जैसी तेरी हाइट हेल्थ है ना, जैसी तेरी जैसी पर्सनैलिटी है, इस हिसाब से तेरे को वीर रस का कवि होना चाहिए। बोले तेरी पर्सनैलिटी ऐसी कि तेरे को दुश्मन देख के डर जाए। अब इनको क्या बताऊं भाई साहब, घर में मेरी लुगाई मेरे से नहीं डरती, दुश्मन क्या खाक डरेगा, ये तकलीफ हो जाती भाई साहब। और एक बहुत ही समृद्ध मंच है, बहुत ही पावन मंच है, भागवत जी का मंच है। गुरुदेव को प्रणाम करते हुए मैं बताना चाहूंगा गुरुदेव की, अभी पिछले दिनों हमारे इंदौर में कथा हुई, अपने सीहोर वाले महाराज जी का आपने सुना ही होगा, प्रदीप मिश्रा जी की वहां कथा हुई। तो मेरी पत्नी, मैं देखो मेरे को जो जितने भी कवि सम्मेलन में जितने भी लोग जानते हैं वो जानते हैं, वो इस तरह से जानते हैं कि एक पत्नी पीड़ित कवि है, मेरे को पत्नी पीड़ित कवि के नाम से जाना जाता है। तो और मेरी पत्नी साहब बहुत बोली है, मेरी पत्नी इतनी बोली कि मैं क्या बताऊं। पिछले दिनों हमारे इंदौर में कथा हुई, कथा इसी तरह से बहुत शानदार मंच हुआ था, जैसे आप सुन रहे वैसे मेरी पत्नी भी सुनने गई। गुरुदेव ने उपाय बताया, कुछ उपाय बताया कि अगर आपको आपके घर में सुख शांति समृद्धि चाहिए तो जो मैं उपाय बताऊं वो उपाय करिए। वो उपाय बताया गुरुजी ने, बताया कि अगर आप घर में ग्रह सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो जो पहली रोटी उतरती है आपके घर में उस रोटी को आप गाय को खिलाइए, और जो आखिरी रोटी उतरती है उस रोटी को आप कुत्ते को खिलाइए। अब साहब हमारी विडंबना ये है कि मैं जिस शहर से आता हूँ, इंदौर से आता हूँ, और इंदौर में ये हालत है कि वहां पर आपको कोई भी पालतू पशु जानवर कुछ भी नहीं दिखेगा, और मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहां पर गाय भी नहीं दिखती, कुत्ता भी नहीं दिखता। पर तकलीफ ये है कि पंडित जी ने कह दिया है तो वो बात तो मानना ही पड़ेगी। अब मेरी पत्नी दिमागदारी भोली भी है, दिमागदारी भी है, तो वो क्या करती है, पंडित जी ने बात बोल दी तो वो तो मानना जरूरी, तो वो क्या करती है कि जो पहली रोटी उतरती है गाय वाली वो खुद खा लेती है। बहुत बढ़िया, तो ये होती है भाई साहब। और मैं तो बता रहा हूँ ना, यहाँ बेटा हर एक व्यक्ति, एक बार थोड़ा सा तालियां बजाए मैं शुरुआत होना चाहूंगा 10 दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पत्नी बहुत भोली है भाई साहब, भगवान कसम खा के कह रहा हूँ। मेरा एक बचपन का मित्र रहते हैं ना, बचपन का मित्र होता है तो हमारे उनसे एक पारिवारिक संबंध हो जाते हैं। तो मेरा एक बचपन का मित्र है, वो बीमार हो गया था। मैंने उससे कहा, मैंने कहा संध्या वो राहुल भैया बीमार हो गए, चलो अपन उनकी हालचाल के लेकर के पूछ कर आते, खबर पूछ करके आते आखिर क्या हुआ उनको। बोले ठीक है चलो। हम गए उनके घर पर, गए तो भाई साहब वो ऐसे लेटे हुए थे, मेरा मित्र ऐसा लेटा हुआ था। मैंने पूछा, मैंने कहा क्या राहुल भाई क्या हालत बना लिया, बिल्कुल मेरे जैसी पर्सनैलिटी थी सूख के बिल्कुल ऐसे हो गए, अब क्या हुआ क्या? वो बोलता, बोला शिवा भाई समझ में नहीं आ रहा यार। बोले मैंने सारी रिपोर्ट करवा के देख ली, सारी टेस्ट करवा के देख ली, टेस्ट में कुछ भी नहीं आया। तो इतने में पास में मेरी पत्नी खड़ी थी, वो बोल पड़ी, बोला राहुल भैया नहीं होते एक बार पोस्टमार्टम करा के देख लो ना, बोला उसमें सब पता चल जाएगा। ये चीजें हो जाती है भाई साहब। और मैं तो बता रहा हूँ ना, बहुत बहुत शानदार सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छे श्रोता है, मन से सुन रहे हैं आप। और आजकल के बच्चे की हम लोग बात करते हैं, ये बच्चे जितने बच्चे मस्ती खो रहे हैं, बच्चा एक मोबाइल लेकर बैठा हुआ है, मोबाइल इनके बाप से नहीं छोड़ा सकता, कोई भी नहीं छोड़ा सकता इनका मोबाइल, है ना। ये बच्चा आपको ऐसा लगता है, आजकल के बच्चे ऐसे लगते हैं जैसे ये पैदा नहीं हो रहा, जैसे एकदम डाउनलोड हो रहे हैं। मेरा घर में भी एक 5 साल का बेटा है, वो बेटा आता है सवाल पूछता है, क्या क्या सवाल पूछता है। वो एक दिन आया, बोले पापा पापा आपसे एक सवाल पूछना है। मैंने कहा पूछो बेटा। बोले पापा पापा मैंने सुना पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। बोले पापा पापा अगर पत्नी को धर्म पत्नी कहते क्या साले को धर्मशाला कह सकते हैं? ये बच्चों के सवाल है। और मैं तो क्या है भाई साहब, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ समस्या है, और इस समय मैं जिस समस्या से पीड़ित हूँ, जिस समस्या का मैं सामना कर रहा हूँ, वो समस्या मेरा बढ़ता हुआ पेट, भगवान कसम ये तकलीफ बहुत देता, इतनी तकलीफ देता कि तकलीफ के बारे में बताऊंगा तो आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। क्या तकलीफ देता सुनिएगा, कि एक तो मेरी हाइट 6 फीट की, ऊपर से मेरा वजन 101 किलो का भाई साहब। अब ये तकलीफ कहां का देता है वो तकलीफ सुनिए, कि घर से निकलता हूं तो घर का गेट दिक्कत देता है। अब हाइट छोटी है मेरी, घर से निकलता हूं तो घर का गेट दिक्कत देता है, ऑफिस से निकलता हूं तो ऑफिस का शेड दिक्कत देता है, और जब भी जाता हूं मिलने प्रेमिका से तो हम दोनों के बीच मेरा ये पेट दिक्कत देता है, तकलीफ है भाई साहब।
और ऐसे ही पेट के चक्कर में मेरी पत्नी कई बार फोकट का ज्ञान दे देती। पत्नियों का काम क्या, ज्ञान देना। पति बेचारा दिन भर से घर से काम कर, ऑफिस से काम करके आया, घर में जैसे आता उसको ज्ञान देना चालू। एक दिन मेरी पत्नी शाम के टाइम पे ऐसे झाड़ू लगाते लगाते आई और बोली, बोले शिव शिव तुम जिम जाया करो। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले देखो तुम्हारा पेट कितना बाहर निकल रहा। मैंने कहा पेट तो तेरा भी बाहर निकल रहा। बोले मैं तो माँ बनने वाली हूँ। मैंने कहा मैं भी बाप बनने वाला हूँ। बहुत बढ़िया भाई, ये चीजें हो जाती है। मेरा बहुत प्यारा भाई बेटा हीरामणि ये एक दिन आया मेरे से पूछने लगा, बोला शिवा भैया यार एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? बोले आप एक बात बताओ कि मैं शादी करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। मैंने दो तीन बार पूछा। मैंने कहा ठीक है पूछाता हूँ बताता हूँ। मैंने इनको चार पंक्तियों में जवाब दिया कि, और वो चार पंक्ति बनने सुनने के बाद में इनने डिसीजन लिया कि मेरे को शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने क्या सलाह दी वो सुनिएगा कि कभी कभी छुप कर, कभी सामने तो कभी छुप कर भी रोना पड़ता है। कभी सामने तो कभी छुप कर भी रोना पड़ता है। कभी सामने तो कभी छुप कर भी रोना पड़ता है। कभी देर से तो कभी जल्दी भी सोना पड़ता है। और मेरी शादीशुदा जिंदगी का क्या हाल बताऊं तुम्हें, मेरी शादीशुदा जिंदगी का क्या हाल बताऊं तुम्हें। कभी झाड़ू कभी पोछा तो कभी बर्तन भी धोना पड़ता है। बहुत बढ़िया भाई, ये तकलीफें हो जाती है भाई साहब, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत तकलीफ हो जाती है इसमें। आज तो मैं इधर हूँ और मेरी तो तकलीफ बहुत भयंकर तकलीफ है। क्या है कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, ठंड के मौसम में अब मेरे साथ में क्या दिक्कत होती है वो सुनिएगा। मेरी बीमारी में भी वो मुझे दिखाई नहीं देती, मेरी बीमारी में भी वो मुझे दिखाई नहीं देती, जरूरत के समय वो मुझे दिखाई नहीं देती, और मेरी हर समस्या उसे बोलकर बताना पड़ता है। मेरी पत्नी ठंड में भी मुझे रजाई नहीं देती। बहुत बढ़िया, ये तकलीफें हो जाती है भाई साहब। बहुत समय की अपनी सीमा है और गर्मी तो इतनी खतरनाक हो रही है आपके। मैं बिल्कुल नहा लिया हूँ जबकि मैं होटल से नहा के आया हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपके बीच में। चार पंक्तियां सुनिएगा कि जब हम मेरे कॉलोनी में कहीं घूम रहा था, गार्डन में घूम रहा था, तो वहां पे एक लड़का लड़की बात करते, उस लड़के ने उस लड़की को प्रपोज किया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो उस लड़की ने ये उस लड़के से ये कहा कि तुम उससे प्यार क्यों करते हो। तो उसने कारण बताया कि मेरी प्रशंसा में चार पंक्तियां सुनी बताइए कि उसने क्या क्यों मुझे पसंद करता। अब उस लड़के ने चार पंक्तियों में उसको बताया कि मैं तुझे क्यों पसंद करता हूँ। सुनिएगा उसने क्या कहा कि बहुत ही खूबसूरत हो मुझे तुम ऐश लगती हो, कभी कन्या थी तुम सुंदर मगर अब मेष लगती हो। बहुत ही खूबसूरत हो मुझे तुम ऐश लगती हो, कभी कन्या थी तुम सुंदर मगर अब मेष लगती हो। वजन थोड़ा सा कर लो कम, बहुत ज्यादा है जाने मन, बगीचे में टहलती हो तो मोटी भैंस लगती हो। बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा आप तालियां बजाते रहिएगा। एक व्यक्ति जो होता है, एक आदमी जो होता है, उसको अगर कोई लड़की कहीं पर दिख जाए, वो लड़की कैसे भी कहीं पर जा रही हो तो उसके मन में क्या भाव जगते हैं, उसके प्रति एक लड़का लड़की को देख के क्या सोचता है वो सुनिएगा। जब मेरे सामने एक लड़की आई तो मेरे मन में क्या भाव जागे सुनिएगा कि मैंने देखी एक छोरी दिखने में बड़ी गोरी, सुंदरता ऐसी जैसे कोई परी आई है। सुनेगा कि मैंने देखी एक छोरी दिखने में बड़ी गोरी, सुंदरता ऐसी जैसे कोई परी आई है, और गोरे गोरे गाल देखे, होठ मैंने लाल देखे, बोले जब वो तो लगे कोई शहनाई है। तो मन मेरा खिल गया और मेरा दिल गया, मन मेरा खिल गया और मेरा दिल गया, मेरी बीमारी की तो बस वही दवाई है। तो देख कर मेरा हाल बोला एक मित्र पाल, वो कोई परी नहीं वो काम वाली बाई है, वो कोई परी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम कविता सुनाता हूं, गर्मी बहुत ज्यादा है और सहन हो नहीं पा रही बिल्कुल भी। एक अंतिम कविता, मातृशक्ति उपस्थित है यहाँ पर, क्योंकि 10-10 मिनट का समय दिया गया है, समय का भी ध्यान रखना है। मातृशक्ति उपस्थित है और इतना समृद्ध मंच है, मैं चाहता हूँ कि मेरी एक अभी तक की जो सबसे अच्छी जो कविता जो मैं लिख पाया वो मैं सुनाता हूँ, क्योंकि छोटी छोटी बेटियां बैठी और इन बेटियों को ये कविता जरूर सुनना चाहिए। और अगर हर जगह मैंने सुनाई है ये कविता, काफी पसंद किया गया और इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा है। आप सभी ने सुना होगा, कुछ समय पहले दिल्ली में घटना घटित होती है। श्रद्धा नाम की एक लड़की होती है जिसे 35 टुकड़े करके उसे काट दिया जाता है और मार दिया जाता है। अब वो घटना घटित होती है तो उस घटना को मैंने मेरी कविता में कविता बनाई है। मैंने सुनिएगा उसको कि श्रद्धा मर्डर केस के ऊपर। आप सभी का ध्यान चाहूंगा और एक बार तालियां बजा दीजिए।
खबर सुनी श्रद्धा की तो खून मेरा खोल उठा। मैं जितनी भी माता बहने बैठी भी उनसे विशेष निवेदन चाहूंगा कि इस कविता पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि खबर सुनी श्रद्धा की तो खून मेरा खोल उठा, आंखों में आए आंसू और मन मेरा बोल उठा कि क्यों भरोसा किया श्रद्धा तूने उस झूठे आफ्ताब पर, क्यों भरोसा किया श्रद्धा तूने उस झूठे आफ्ताब पर, कुछ तो सोचा होता तूने क्या गुजरेगी तेरे बाप पर। और एक बार नहीं कई बार तुझे समझाया था, एक बार नहीं कई बार तुझे समझाया था, तेरे पिता ने तुझे बार बार चेताया था, काश तूने पिता की वो बात मान ली होती, काश तूने पिता की वो बात मान ली होती, या फिर तूने उस झूठे आफ्ताब की नियत पहचान ली होती। अरे प्यार के नाम पर वो तुझसे खेल रहा था, प्यार के नाम पर वो तुझसे खेल रहा था, या फिर यूं समझो कि वो तुझे जबरदस्ती झेल रहा था। काश काश श्रद्धा तूने पिता का वो कहा मान लिया होता, आज तू भी जिंदा होती, जो तूने लिव इन रिलेशनशिप का मतलब जान लिया होता। और प्यार में डूबे को झूठे मुखड़े नहीं दिखते, श्रद्धा तूने पिता का कहा माना होता तो आज तेरे 35 टुकड़े नहीं दिखते, 35 टुकड़े नहीं दिखते। बहुत बहुत धन्यवाद।